नारा लगाएंगे, उसके बाद मैं अपना जो मेरी बात होगी उसको रखने की कोशिश करूंगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। इतनी आवाज से कुछ नहीं होगा। मित्रों, सत्ता में वो लोग बैठे हैं जो भारत माता का नारा लगाते हैं, इसीलिए आप उनसे इतने जोर से बोलिए कि सत्ता के हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचे और आपकी ये आवाज उनको मजबूर कर दे आपके मांगों को पूरा करने के लिए। इसलिए जोर से बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। तो मैं अपनी बात अटल जी की उन पंक्तियों से शुरू करना चाहता हूं जो उन्होंने उस संघर्ष के समय लिखा था जब भारत में कुछ ऐसी ताकतें पल रही थी, उसके विपक्ष में लोग खड़े थे और उसके अंदर ऊर्जा का ज्वार संचारित करना था। तो अटल जी ने लिखा था, सिंधु में फिर ज्वार उठा है, नदपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कनकन से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है। ये वही हुंकार है आज देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से जो हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, उनकी ये हुंकार सत्ता के हुक्मरानों तक पहुंचनी चाहिए, उनकी जो भी मांगे हैं वो पूरी की जानी चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमें ये तय करना पड़ेगा कि हमारी मांगे क्या है, हम क्या चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि आरक्षण खत्म हो जाए, हम ये चाहते हैं कि आरक्षण रहे लेकिन जो उसका तौर तरीका है वह बदला जाए। क्यों? क्योंकि जो आरक्षण है वो जब बनाया गया था तो उस समय वंचितों के लिए बनाया गया था, और आज जब जातिगत आधार पर आरक्षण दिया जाता है तो ये समझ लेना चाहिए कि गरीबी की कोई जाति नहीं होती है, भुखमरी की कोई जाति नहीं होती है, अशिक्षितों की कोई जाति नहीं होती है। एक व्यक्ति जब सड़क पर भीख मांग रहा होता है, जब आप उसको भीख देते हैं तो आप ये नहीं पूछते हैं कि वह कौन सी जाति का है। गरीब ब्राह्मण भी हो सकता है, गरीब दलित भी हो सकता है। इसीलिए ये तय कर लेना कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है।